आप अच्छी तरह से जानते हैं आचार्य जी कि मैं बीती हुई बातें नहीं भूलता, लेकिन पीछे छूटे हुए कदमों के निशान गिनना भी मेरी आदत नहीं। बलदेव जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आपके बीच ये राजनीति की कड़वाहट नहीं आएगी। रजनी, तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुम जो बनना चाहती थी, तुम जो करना चाहती थी, वो तुम नहीं बन पाए? मैं अपने हालात से निपट लूंगी माँ, आप मुझे सलामत दीजिए। राजनीति में भी कुछ नीतिगत बातें होती हैं, लेकिन आपने तो सारी नीति ही ताक पर रखी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे बलदेव सिंह के घर जाने से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है? अगर पार्टी की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं तो इसे और क्या कहा जाएगा। जिसे जो कहना है वो कहे, आई डोंट केयर। पार्टी के हित में मुझे जो सही लगा मैंने किया। बलदेव सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया। मीडिया ने भी इस बात को उछालने की खूब कोशिश की कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से बलदेव सिंह पर आयोग बिठाया गया। उनकी गिरफ्तारी हुई और अब मीडिया में ये खबरें आएंगी कि पार्टी बलदेव सिंह के आगे झुक गई। और मुझे भी यही लगता है आचार्य जी कि आप बलदेव सिंह से दुश्मनी नहीं लेना चाहते, इसलिए आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मैंने बलदेव सिंह की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया है, ये मेरा जाती मामला है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है आचार्य जी कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ये सवाल करने लगे हैं कि क्या बलदेव सिंह को फिर से पार्टी में लिया जाएगा। मैंने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। अगर बलदेव सिंह को दोबारा पार्टी में लेने से पार्टी की भलाई होती है तो इसका फैसला हम सब मिलकर करेंगे। आपको इतना चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी बलदेव सिंह के दुश्मन है और आप दोस्ती का नया दौर शुरू करने जा रहे हैं, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। चलो ललन। आ गए तुम। लगता है तुम्हारी आदतें नहीं बदलने वाली। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और अब जाके वो इंतजार खत्म हुआ। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहां से आ रहे हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक बाहर की लड़की को घर के दहलीज में लाने की। मेरी गैर हाजिरी का अच्छा नाजायज फायदा उठाया है तुमने। अपने नाजायज रिश्तों को इस घर पे मरने की अच्छी कोशिश की है तुमने। तुमने क्या सोचा था कि मैं कभी जेल से वापस लौटूंगा ही नहीं? मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है पापा? आप जब जेल गए थे वो भी आपके कर्म थे, और अब जब आप जेल से वापस आए हैं वो भी आपके ही कर्म। मैं तो खुद ये घर छोड़ के चला गया और मैं इसी शर्त पे वापस आया था कि सोनाली मेरे साथ रहेगी।
लड़की इस घर में क्यों रहेगी? क्यों? किस रिश्ते से तुम उसे इस घर में रखना चाहते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? बोलो। मैं प्यार करता हूं उससे, समझे आप? मैं प्यार करता हूं सोनाली से। बस अपने नाजायज रिश्ते को प्यार का नाम देकर उसे ठगने की कोशिश मत करो। तिलक और कलंक लगते तो माथे पर ही, लेकिन तिलक और कलंक में बहुत फर्क होता है। कलंक को तिलक साबित करने की कोशिश मत करो तुम। आपको जो भी कहना है वो कह लीजिए, लेकिन सोनाली वही रहेगी जहां मैं रहूंगा। लोग बेटे की दुआ इसलिए मांगते हैं कि वो खानदान का नाम रोशन करेगा, लेकिन अगर वही बेटा खानदान को कलंकित कर रहा है तो फिर उसके लिए इस घर में, इस दिल में और जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ रहेगी तो फिर उसे लेकर निकल जाओ यहां से। जहां जाना है जाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे तो उसे मत बताना कि तुम बलदेव सिंह के बेटे हो। अपने दम पर अगर जिंदगी संवार सकते हो तो संवार कर दिखाओ। निकल जाओ यहां से। नहीं पापा जी, पापा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं आपसे आपके बेटे को छीनने नहीं आई, वो आपके बेटे और आपके ही रहेंगे। मैं सिर्फ मेरी मजबूरियों की वजह से यहाँ आई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इतना ही बुरा समझते तो मैं इस घर से क्या, मैं राजवीर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। पापा जी प्लीज एक बार मेरी मजबूरियों को सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। और सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरी बात को सुन लीजिए। क्या आपने 5 मिनट मुझे नहीं दे सकते? मीनाक्षी, वही हुआ आदित्य जो हमने सोचा था। पापा ने कहा कि वो सोनाली को इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सबको पता है मीनाक्षी कि तुम्हारे पापा अपने नाम पर इस तरह का बदनामी का धब्बा हरगिज नहीं लगने देंगे। भैया ने पापा से कहा कि वो सोनाली से प्यार करते हैं और प्यार का नाम सुनते ही पापा भड़क गए। उनका भड़कना बिल्कुल जायज है मीनाक्षी, इस बात को अपने ऊपर लेकर मत सोचना। राजवीर जिस प्यार की बात कर रहा है वो प्यार है ही नहीं। तरह के प्यार को दुनिया सिर्फ एक ही नाम दे सकती है, नाजायज रिश्ते का नाम। और राजवीर इस रिश्ते को प्यार का नाम देकर ढकने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। पापा बहुत भड़के हुए आदित्य, वो किसी की सुनना भी नहीं चाहते, और ऐसे में तुम्हारा पापा से बात करना ठीक नहीं होगा। ठीक है मीनाक्षी, ठीक है, हम हालात सुधरने का इंतजार करेंगे। हम अपनी बात बाद में करेंगे, अभी तुम ये बताओ कि घर में चल क्या रहा है। राजवीर भैया और पापा के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है आदित्य, ना भैया पापा की बात सुनना चाहते थे और ना पापा भैया की बात मानना चाहते थे।
नाली भी पापा को अपनी कुछ मजबूरियां समझाना चाहती थी। वो कौन सी मजबूरियां बताएगी मीनाक्षी? इस तरह किसी के घर में आकर बैठ जाना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्ती की बात है बस। सोनाली पापा से अकेले में बात करने के लिए गई है, पता नहीं क्या बात करना चाहती है, पता नहीं कौन सी अपनी मजबूरियां वो पापा को समझाना चाहती है। चलो आदित्य मैं फोन रखती हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँगी। ठीक, बाय मीनाक्षी। क्या बात करना चाहती हो तुम? अब मैं आपको क्या बताऊं? मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। आपकी राजनीति की वजह से आज मैं जिंदगी के इस भंवर में फंस गई, और अगर आपने मुझे और राजवीर को इस घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये बात तुम्हें और राजवीर को पहले से सोचनी चाहिए थी। तो तुमने क्या सोचा कि तुम और राजवीर शादी करके इस घर में आ जाओगे और ये घर तुम्हें स्वीकार कर लेगा? ये बलदेव सिंह का घर है। इस घर की दहलीज में मैंने आज तक किसी ऐसे को कदम नहीं रखने दिया जो इस घर की मर्यादाओं के विपरीत हो। मैं तो बस इतना पूछना चाहती थी कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी दूसरों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा? ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, आप ही मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये बात कहूं। जिंदगी भर आप ये सब करते रहे तो आप सही, लेकिन अगर राजवीर ने किया तो वो गलत। कम से कम राजवीर ने इंसानियत तो दिखाई, उसने मुझे अपनी पत्नी का अधिकार तो दिया। बस यही मजबूरियां बताना चाहती थी तुम? निकल जाओ यहां से। एक मिनट, अगर मुझे और राजवीर को इस घर से जाना पड़ा ना तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, लेकिन आप भी कहीं के नहीं रह जाएंगे। इस घर को टूटने से बचा लीजिए, ये एक बार टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाएगा। इस बार अगर राजीव को घर छोड़ना पड़ा तो पता नहीं उसकी जिंदगी उसे किस रास्ते पर ले जाएगी। ये जो तूफान उठा है ये मेरे घर की खुशियों को उड़ा कर ना ले जाए प्रभु। मोबाइल देख रहे हैं आप? ये मोबाइल मुझे गिफ्ट मिला है। इसमें एक फिल्म है जो मुझे आपको दिखाने के लिए कहा गया है। शायद इसे देखने के बाद आपको पता चल जाए कि कौन सही है और कौन गलत। देखिए ना प्लीज, देखिए।
चाहे तो ये मोबाइल आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि जितना इसे देखेंगे ना बढ़ते हटते जाएंगे इसमें से भी और आपकी आंखों से। अब मैं तो बस यही बोलने आई थी आपसे, अब आपको राजवीर की इज्जत का नाश है लेकिन आपकी इज्जत का तो ख्याल रखना ही होगा ना। कि अगर मुझे और राजवीर को इस घर से जाना पड़ा तो ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। माँ आप क्यों मेरा इंतजार कर रही हैं अभी तक, आपको तो सो जाना चाहिए था। नींद आएंगी तो जरूर सो जाऊंगी। तुम हाथ मुंह धो लो बेटा, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। माँ आपको मेरे लिए जागने की जरूरत नहीं है, माँ चाहिए सो जाइए। अगर मुझे भूख लगेगी, मुझे खाना खाना होगा तो मैं खाना खुद गर्म कर लूंगी। अगर तुम खाओगी तो थोड़ा मैं भी खा लूंगी। क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम खाकर नहीं गई तो निवाला मेरे मुंह में जाता क्या? माँ क्यों मेरी इतनी परवाह करती है, क्यों इतना मेरे लिए परेशान होती है? माँ माँ अपने बच्चों के लिए परेशान नहीं होगी तो किसके लिए होगी? ठीक है माँ, तो मैं तो कहीं बाहर भी खा सकती हूँ ना। तुम मुझसे नाराज होकर चली गई ना तो खाना सब ऐसे ही रखा रह गया। तुम्हें क्या लगा कि तुम नहीं खाओगी तो क्या मैं खाना खा सकूंगी? ठीक है माँ आप खाना गर्म करके लाइए, आज हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। हे भगवान मेरे इस घर को टूटने से बचा लीजिए, एक बार टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाएगा। इस बार अगर राजीव को घर छोड़ना पड़ा तो पता नहीं उसकी जिंदगी उसे किस रास्ते पर ले जाएगी। ये जो तूफान उठा है ये मेरे घर की खुशियों को उड़ा कर ना ले जाए। प्रभु कृपा करो, प्रभु सोनाली जो कुछ भी राजवीर के पापा को समझाना चाहती है वो बात उनकी समझ में आ जाए और राजवीर को अपने घर से ना निकाले। कृपा कीजिए प्रभु। माँ पापा कमरे से बाहर आ गए, माँ अब क्या फैसला करेंगे पता नहीं। चलो बेटा देखते हैं। माँ सोनाली आखिर पापा को अपनी ऐसी कौन सी मजबूरी समझाना चाहती थी? शायद सबके सामने तेरे पापा सोनाली की बात सुन नहीं पाते इसलिए उससे अकेले में मिलना चाह रहे थे। सोनाली शायद तेरे पापा से वही कहना चाह रही थी जो उसने हमें समझाया। उसने राजवीर को पनाह दी अपने घर में और मीडिया ने इस बात को लेकर उसे बदनाम कर दिया। इसी मजबूरी की वजह से उसे राजवीर से शादी करनी पड़ी। लगता है शायद तेरे पापा से वो यही कहेगी। लेकिन पापा को देखकर समझ में नहीं आया, उसकी मजबूरियां सुनकर पापा के ऊपर कोई असर हुआ हो। पापा बाहर आ चुके हैं लेकिन एकदम खामोश है और उनके चेहरे पर गुस्सा है। तुम्हारे पापा ने अभी तक खाना भी नहीं खाया, चलो देखते हैं। चलिए माँ। देखिए ना मैं ना कहती थी कि पापा मेरी मजबूरियों को जरूर समझेंगे, लेकिन देखिए ना माँ जी आपके आशीर्वाद से पापा जी ने मेरी मजबूरियों को समझ लिया है और पापा जी ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि मुझे और राजवीर को इस घर से कहीं नहीं जाना पड़ेगा।
पापा जी, मैंने तो सुना था कि आप राजनीति में बड़े ही माहिर हैं, लेकिन माहिर लोग तो गम में भी मुस्कुराते हैं। लेकिन ये क्या पापा जी, आपके चेहरे पर तो अभी भी इतना गुस्सा है। पापा जी, देखने वालों को तो यही लगेगा ना कि मैंने आपसे अपनी मजबूरियां बताई, पर आप है कि आपके चेहरे पर हमदर्दी के भाव ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, हाँ, समझौतावादी भाव। पापा जी प्लीज अपने चेहरे पर वो भाव लाइए ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो सबको शक हो जाएगा कि कुछ और बात है। अगर ऐसा हो गया तो आपको बहुत नुकसान होगा। माँ जी देखिए ना, मैं ना कहती थी कि पापा मेरी मजबूरियों को जरूर समझेंगे, लेकिन देखिए ना माँ जी, आपके आशीर्वाद से पापा जी ने मेरी मजबूरियों को समझ लिया है और पापा जी ने एक फैसला लिया है। और वो फैसला ये है कि मुझे और राजवीर को इस घर से कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अपने कदमों में मुझे जगह देकर आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सचमुच आप इंसान के रूप में देवता हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मेरी मजबूरियों को समझता भी नहीं। लेकिन आपने मेरी मजबूरियों को समझा। चाहती कि मेरी वजह से आप सबके दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन आपने मेरी मजबूरियों को समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली। उन्होंने सुना ही नहीं बल्कि समझा भी और माना भी। तुम तो हमेशा ये कहते थे कि पापा जी बहुत अहंकारी, वो किसी की नहीं सुनते। देख लो, उन्होंने मेरी बात भी सुन ली। तो ये सब कुछ तुम्हारा ही किया कराया है। तुमने अपनी शादी नाना चाल मेरे साथ ही चलने की कोशिश की। तुमने जान बूझ कर मौके का फायदा उठाने की कोशिश की रजनी।